I'm talking to an eminent theatre personality, Professor Vaman Kendre, who has recently taken over as director of the National School of Drama. So earlier, sir, you served as a professor and director at the Academy of Theatre Arts, University of Mumbai for almost 10 years. जी. तो वहाँ आपने क्या किया? मैंने वहाँ, मुझे लगता है कि जो एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स है उसकी शुरुआत जो है मेरे ज्वाइन होने से हुई है. सो आई हैव स्टार्टेड एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स मुंबई यूनिवर्सिटी फ्रॉम स्क्रैच, एंड जिसको 10 साल में हम कह सकते हैं कि एक उसको राष्ट्रीय स्तर का एक रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल लेवल का रिकॉग्निशन, केवल 10 साल की. मुझे लगता है कि इस देश में अभी सबसे लेटेस्ट इंस्टीट्यूशन वही है, और जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद यहाँ पढ़ने जाना है तो लोग उसका रुख करते हैं. जितनी भीड़ यहाँ होती है लगभग उतनी ही भीड़ वहाँ भी होती है एडमिशन्स के लिए. तो एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन हम खड़ी कर पाए, ये मुझे लगता है कि हमने 10 साल में वहाँ काम किया है. उससे पहले आप राष्ट्रीय मध्य विद्यालय के विद्यार्थी रह चुके? जी जी, मैं 1979 में यहाँ एज ए स्टूडेंट की हैसियत से ज्वाइन हुआ था, और 1982 में यहाँ से मैं मेरा 3 साल का कोर्स कंप्लीट करके पास आउट हुआ था. उसके बाद भी मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने एक यूनिक फेलोशिप दी थी. शायद मैं पहला और आखिरी विद्यार्थी था, मैं और मेरे साथ फॉरिन भट्टाचार्य नाम का मेरा क्लासमेट था. वो फेलोशिप थी कि टू फाइंड आउट इंडियननेस इन इंडियन थिएटर, ये उसका टाइटल था, एंड इट वाज अ पायलट प्रोजेक्ट. और ये हमको करना था थ्रू अंडरस्टैंडिंग द केरला रिचुअलिस्टिक एंड फोक थिएटर. और 2 साल की फेलोशिप थी, तो हमने 2 साल केरल में रहा और ये सारा कुछ क्या कहते हैं सीखा पढ़ा, बहुत सीरियसली काम किया. और एक क्या देशीपन हो सकता है, भारतीयता क्या हो सकती है, चाहे वो सोच की हो सकती है, चाहे वो फिलोसफी की हो सकती है, चाहे वो स्पिरिचुअलिज्म की हो सकती है, चाहे परफॉर्मिंग आर्ट्स की हो सकती है, चाहे जीवन की हो सकती है, जीवन जीने के तरीके की हो सकती है, अनेक पहलुओं पर काम करने का मौका मिला. सो ये मेरा एनएसडी से क्या कहते हैं एक तरीके का 5 साल का रिश्ता रहा. और उसके पहले भी मैंने 1 साल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से 1 साल का ड्रामा का कोर्स करके मैं यहाँ आया था. तो मेरी कुल मिला के ट्रेनिंग जो है वो 6 साल की है. तो एक पुख्ता फाउंडेशन जिसको कह सकते हैं कि आप प्रोफेशनल होने के लिए जो काबिलियत और जो आपको अभ्यास और ये सब कुछ करना पड़ता है, मुझे लगता है 6 साल में पूरा हुआ था. और लगता है कोई भारतीयता जो कुछ समय के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हट गई थी, आप उसको वापस लेके आ रहे हैं? अब मैं ये तो नहीं क्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि जहाँ तक भारतीयता का सवाल था, एक इंडियननेस का सवाल था, एक देशीपन का सवाल था, भारतीय संस्कृति और यहाँ के परफॉर्मिंग आर्ट कल्चर को जिस तरीके से प्रमोट और प्रोजेक्ट करना चाहिए था, शायद वो जिस अपेक्षा थी एनएसडी से कुछ दिनों में, तो शायद वो थोड़ी कम हो चुकी होगी. और कई बार ऐसा भी सुना मैंने कि जो नाट्यशास्त्र हैं, जो संस्कृत नाटक शैली हैं, उसका एक सिखाने का तरीका, प्रेजेंटेशन का तरीका भी बदल गया था. क्योंकि जहाँ तक भारतीय रंगमंच का सवाल है, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए आज जो एविडेंशियल जिसको कह सकते हैं प्रूफ है, एक भारत का राज नाटक एक सबसे दुनिया से भी एक समृद्ध नाटक परंपरा की, वो संस्कृत नाट्य शैली. और उसका परफॉर्मिंग एरिया हमारे पास आज उतना पुख्ता, उसके एविडेंसेस नहीं है. पर जहाँ तक उसके शास्त्र की बात है, जहाँ तक उसके क्या कहते हैं शास्त्र के परे की कला की और एस्थेटिक की बात है, वो हमारे पास बहुत पुख्ता है. और वो शायद हमारी भगवत गीता है, इस यूँ कहेंगे कि जो नाट्यशास्त्र है भरत मुनि जी ने लिखा हुआ, वो अगर आज भी हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कितने तफसील में जाके नाटक की परंपरा को, नाटक के क्या एक हर पहलू, मतलब ऐसा नहीं है कि एक पहलू छोड़ा हुआ है, चाहे वॉइस एंड स्पीच का एरिया हो, चाहे अभिनय का एरिया हो, चाहे भाव और रस सिद्धांत की बात हो,
चाहे वो स्टेज क्राफ्ट की बात हो, चाहे भाषा और भाषा के अलंकार और व्याकरण की बात हो, इस सारे के सारे एरिया में मुझे लगता है कि एक बहुत ही तफसील में जाके एक शास्त्र लिखा गया, और इस का मुझे लगता है कि हम सबको गर्व भी होना चाहिए। जैसे कॉमेडी डेल आर्ट है, वो एक ऐसा फॉर्म है जिसका यहाँ पे भी यू कैन गेट अ रिफ्लेक्शन। हमारी समृद्ध परंपरा है उसको हम समृद्ध मानने के लिए हम ही तैयार नहीं है। कहाँ मेरा तमाशा वाला महाराष्ट्र का ग्रामीण आदमी कॉमेडिया डेलार्टे देखने को गया होगा? कॉमेडिया डेलार्टे से उसकी परंपरा ऐतिहासिक रूप में पुरानी है। भवाई का रंगलो जो है वो जो ह्यूमर और वो तो विदुषक तक पहुंच जाते हैं ना, उसकी परंपरा को लेके फिर संस्कृत शैली में, तो कम से कम 2-2.5 हजार साल तो पहले उसकी रंग रूप रेशा है। और जो लोक में बहुरूपीय था वो उसको कैसे भूल सकते हैं कि अलग अलग स्वांग रचा के गाँव में जाके ऑडियंस को, और वो तो क्या परफॉर्म नहीं करता था, तो डायरेक्ट सोशल इंटरेक्ट करता था वो अपने परफॉर्मेंस से। तो ये सारी समृद्ध परंपरा है, हमें अब ये बोलने भी सीखना आना चाहिए कि तमाशा का रिफ्लेक्शन कॉमेडिया डेलार्टे, तमाशा का रिफ्लेक्शन नौटंकी का रिफ्लेक्शन फलाना में है। हमने ये भी अब हमें टर्मिनोलॉजी और उसके पीछे का सोच जो है हमें बदलनी है। जैसे कहते हैं बर्टोल्ड ब्रेख्ट ने भारतवर्ष से ही इंस्पिरेशन लिया था अपने तरह का एलिमिनेटेड थिएटर प्रेजेंट करने में, और उसको हालांकि पॉलिटिसाइज कर दिया था उन्होंने। तो अब वेस्टर्न थिएटर की तरफ जो थोड़ा रुख आ गया था बीच में, और जैसे अलकाजी साहब के टाइम पे भी स्टैनिस्लावस्कियन थिएटर वाज मच मोर प्रोमिनेंट देन अदर फॉर्म्स ऑफ थिएटर, एंड देन व्हेन रामगोपाल बजाज केम देन सम पार्ट्स ऑफ डिस्कवरिंग अवर रूट्स ऑल्सो केम बैक टू द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। So every time a new director comes, he has a new vision and he changes the way things happen, and ultimately it affects the kind of education that the students get who come to the National School of Drama. अब आपके आने से एक क्या कहना चाहिए, नई तरह की प्रभात राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के ऊपर आई है, कि नई सोच आई है और बहुत ही रिवोल्यूशनरी विचार है आपका कि जो भारतवर्ष का जो नाट्य परंपरा है जो विदेशों में जानी नहीं जाती, जबकि सबसे पुरानी नाट्य परंपरा है, उसको दोबारा से उजागर करना है, और जो भारतवर्ष में भी लोग भूल चुके हैं अपनी परंपराएं उनको याद दिलाना है, बट गिविंग अ काइंड ऑफ चेंज दैट द नेशनल स्कूल ड्रामा करिकुलम यू फील नीड्स। तो आई वुड लाइक टू नो व्हाट योर प्लान्स आर, what are the new kind of thing that you are planning to do which were not done over here? No, aisa nahi hai ki bhai jis uska hi jawab mein aa gaya aapka aapki statement ko aage le jata hu ki ek samay pe Stanislavski pure duniya mein chhaye hue the, ek samay uske baad ke samay mein Brecht pure duniya mein chhaye hue, uske pehle Ibsen duniya mein chhaye hue hain, uske beech mein ek baar absurdity aur absurd theater duniya mein chhaya, फिर पुअर थिएटर, जैसे कोई नई सोच मुझे लगता है रंग परंपरा की उसको दो कदम आगे ले जाने वाली आती है, उससे हम प्रभावित होते हैं, और ये उस समय की मांग होती है। इसलिए इस डायरेक्टर ने वो ज्यादा किया और इस डायरेक्टर ने ये कम किया बोलना शायद सही नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय की वो जरूरत थी, वो फलसफा और वो क्या कहते हैं एजुकेशनल प्रोसेस या पेडागॉजी सिस्टम आपके सामने खड़ी। आज वो सारी सिस्टम हम पार कर चुके हैं, वो सारी क्या कहते हैं स्टेजेस जो होती हैं वो पार कर चुके हैं। आज हमारे पास, अब जब हम ग्लोबल होने जा रहे हैं, ग्लोबल विलेज की बात करते हैं और पूरा विश्व इकट्ठा आया है इसकी बात जैसे ही करते हैं, तो सबसे बड़े सावधान होना पड़ता है। तो विश्व इकट्ठा आया है तो हमारा क्या होगा? विश्व को इकट्ठा आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पर हम पाश्चात्य जो भी है, और क्यों पाश्चात्य क्यों कहें, हम अब लैटिन अमेरिकन क्यों ना कहें, अफ्रीकन थिएटर क्यों ना कहें, हम एशियन थिएटर क्यों ना कहें, तब वो पाश्चात्य का जो इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर था, बिकॉज़ ऑफ यहाँ ब्रिटिश यहाँ रह चुके हैं 150 साल,
उसके साथ बाद भी हमें अभी भी यूरोपियन होना है। आप हमें बाय चॉइस पूछ लीजिए किसी को, आपको अफ्रीकन होना है क्या, तो जवाब ना आएगा। किसी को पूछ लीजिए आपको चाइनीज जापानीज होना है क्या। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो जीवन जीने के तरीके जो है, जो जीवन जीने का तरीका जो है, वो ऐसा लग रहा है कि यूरोपियन ही अंतिम सत्य है। और उस दिशा में एज ए सोसाइटी हम भी एक अपना जो जीने का तरीका है वो सब छोड़ के उसको सरेंडर होने की कगार पर है। इस समय सबसे बहुत महत्वपूर्ण यह है कि जहाँ विद्यार्थियों पर, जहाँ एनएसडी के एकेडमिक्स का सवाल है, जो दुनिया का बेस्ट है वो हम सिखाएंगे। वो सिखाना हमारे लिए बंधनकारक है। उसमें भारत और पाश्चात्य ये कर वो सिलेबस नहीं डिजाइन किया जा सकता, पर बाकी की सारी जो एक्टिविटी है मुझे लगता है वहां पर एक हम नेशनल इंस्टीट्यूशन होने के नाते व्हिच शुड बी द फेस ऑफ इंडियन थिएटर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा शुड बी द फेस ऑफ इंडियन थिएटर। जो इंडियन थिएटर की प्रैक्टिसेस है, जिसका मैंने जिक्र पहले किया, चाहे वो पारंपरिक है, चाहे क्लासिकल है, चाहे लोक है, चाहे फोक है, चाहे आदिवासी परंपराएं हैं, या मॉडर्न क्या कहते हैं नाटक की आधुनिक, जो स्वतंत्रता के बाद जो हमने आधुनिक नाटक उसमें बहुत बहुत बड़ी खोज की है, पोस्ट मॉडर्न नाटक को भी हमने अपने तरीके से सजाया है, वो भी तो भारतीय। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में भी थोड़ा सा हमको प्रोपोर्शनेटली विद्यार्थियों को तैयार करने की जरूरत है। और बाहर का जहां तक एक जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से और उसके छत्र छाया के अंदर जितने लोग आते हैं, उनको प्रमोट और प्रोजेक्ट करने की जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। मेरे लिए कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सही मायने में नेशनल करना सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 3 साल यहाँ दिल्ली में केवल 25 बच्चों को या 26 बच्चों को पढ़ाते हैं हर साल, नहीं तो वहां तक हमारा दायरा सीमित नहीं होना चाहिए। जो बाहर यहाँ नहीं आ पाते हैं उनके लिए जैसे एक्सटेंशन प्रोग्राम की एक्टिविटी कालक जी ने शुरू की थी, मुझे याद है, उसका एक्टिविटी को रिवाइटलाइज करने की जरूरत है। तब की इंडस्ट्री का जो स्वरूप था जब ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 55 साल पहले जब शुरू हुई थी, तब का इंडस्ट्री का जो वॉल्यूम था बहुत छोटा सा था। आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतनी बड़े पैमाने पे पल पुल गई है सौभाग्य से, उसमें हमारे विद्यार्थियों को अपना हिस्सा किस तरीके से वसूल करना है ये भी तो पढ़ाना पड़ेगा, आपकी जगह कैसे बना पाओगे ये भी तो पढ़ाना पड़ेगा, फिर हमारा जो कोर्स है उसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा, या इसमें एडिशन और डिडक्शन करने की आवश्यकता है। नए कोर्सेज, अब ये कोर्स चलाते हुए हमको 55 साल हो गए, वो इस्टैब्लिश हो गया, उसका कंट्रीब्यूशन इंडियन थिएटर में है, सिनेमा में है, टेलीविजन में है, थिएटर एजुकेशन में है, उसको क्या कहेंगे कि चिंतन में है लोगों की, ये तो कोई दो उसका क्या कहते हैं उसको नकार नहीं सकता। पर वहीं तक आप सीमित नहीं रह सकते कि दुनिया में सुपर स्पेशलाइजेशन का दौर जब चला है तो हमारे विद्यार्थी एडवांस स्टडी को कहाँ जाएंगे, फिर वो यूनिवर्सिटी सिस्टम जो बुकिंग सिस्टम है वहां पर पीएचडी और एमफिल करने जाना पड़ता है। तो प्रैक्टिकल एडवांस स्टडी सेंटर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को बनाने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पहला कनेक्टिविटी का, उसको एक्चुअल इसमें कहेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने का, सोसाइटी से कनेक्ट करने का, और जो इंडस्ट्री डिमांड करती है, मतलब उसको डिमांड में सप्लाई तरीके से हम लोग सप्लाई नहीं करेंगे, वहां पर के जो दायरे हैं वो तोड़ने वाले और न्यूनेस और इनोवेशंस वहां पर भी तैयार करने वाले विद्यार्थी हमको पैदा करने पड़ेंगे और क्या कहते हैं बाहर भेजने पड़ेंगे, ताकि सप्लाई की जगह पे अपने हिसाब से डिमांड क्रिएट। एक्जेक्टली, क्योंकि जो क्वालिटेटिव डेवलपमेंट इंडस्ट्री में होने की आवश्यकता है वो क्वालिटी और क्रिएटिव लीडरशिप देने वाले लोग पैदा, और ये विजन लेके हम काम कर रहे हैं। Another thing is, what are the new things you are planning to do as a national school drama, the new policies that you are going to make, the new education schemes that you are going to develop? Now, apart from this 3-year course, we have 1 year, 1 year, 1 year course at these 3 sectors. Okay. पर अब ऐसा लग रहा है कि जो courses हमें बहुत आवश्यकता है इस समय, ये 8 या 9 नए courses शुरू करने की आवश्यकता है। एक प्लेराइट
जो हमारा सबसे वीक एरिया है इंडियन थिएटर का इस समय का, तो उसको एनहांस करना है, तो एक साल का हमें प्लेराइट कोर्स या दो साल का जो भी आवश्यकता हो। हमेशा गणतंत्र दिवस में फोक डांस दिखाए जाते थे, इस साल वो नहीं है, अब की बार नहीं थे, पर बच्चों ने किए। हाँ, मतलब वो पहले तो फोक आर्टिस्ट बाहर से आते थे और वो आके परफॉर्म करते थे, अब की बार वो नहीं थे, और उनका एक अलग से ताल कटोरा स्टेडियम में भी एक परफॉर्मेंस होता था, वो भी नहीं हुआ है। तो कुछ हद कुछ तरह से तो जो स्टेट है उसको भूल रहा है फोक फॉर्म्स को, लेकिन राष्ट्रीय नृत्य विद्यालय उसको दोबारा से ग्रहण करने की कोशिश करेगा। ये वो करेंगे, क्योंकि वो क्या कहते हैं, सबसे बड़ी बड़ी धरोहर है हमारी, और वहाँ से अगर हम एनरिच हो सकते हैं, हमारा भी तो स्वार्थ है उसमें, अगर हम एनरिच हो सकते हैं, हमारे विद्यार्थी एनरिच हो सकते हैं, आगे आने वाली जनरेशन अपने रूट्स को डायरेक्ट आमने सामने देख कर समझ सकते हैं, कलाकारों से बातें कर सकते हैं, उनकी सारी तैयारी की प्रक्रिया देख सकते हैं, मेकअप प्रोसेस देख सकते हैं, कॉस्ट्यूम प्रोसेस देख सकते हैं, तो सो दैट इज अ बिग ट्रेनिंग एंड इंडियननेस या इंडियन क्या कहते हैं संस्कृति का एक्सपोजर प्रैक्टिकली जब तक हम नहीं देंगे, तो फिर तो वो वर्चुअल संस्कृति की बातें होंगी। सो बीइंग एन इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, वी हैव टू गिव देम एन एब्सोल्यूट प्रोसेस एंड एब्सोल्यूट पेडागॉजी, जिसको कह सकते हैं अबाउट फोक थिएटर, ट्रेडिशनल थिएटर, क्लासिकल थिएटर, ट्राइबल थिएटर एंड इवन मॉडर्न। एंड द स्टूडेंट्स विल आल्सो प्रिपेयर दोस, दे विल वर्क इन दोस फॉर्म्स एंड दे विल वो तो एक साल मतलब हर साल में एक जगह तो हम भेजते ही हैं ताकि वो अपने इंडियन रूट्स को समझे। बार हमने जैसे अभी साल छाऊ लेकिन सरायकेला भेजा था, उसके पहले अंकिया भावना नर्ज असम में भेजा था, इस तरीके से वो एक मॉड्यूल होता है, पर ये अपार्ट फ्रॉम दैट मॉड्यूल दे विल गेट सो मच एक्सपोजर इन भारत। एंड थैंक यू वेरी मच, and I'm sure that with you coming to the National School Drama, we'll see a new direction and a new energy which you have brought, having come from a state which is already a state which is known for its very vibrant environment as far as theatre is concerned. Thank you very much, because as my previous directors did contribute their bit, so I'll also try to contribute my portion of it to develop this.